बनमनखी प्रखंड के सरसी थाना परिसर में मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता में सरसी थाना प्रभारी नरेश कुमार ने की। प्रभारी ने उपस्थित सदस्यों से कहा कि बिहार में कोरोना को देखते हुए इसकी पहल आवश्यक है। कोरोना के इस अवधि में किसी प्रकार का धार्मिक जमावड़ा लगाने का निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव का एकमात्र उपाय शारीरिक दूरी को मेंटेन करना है। मोहर्रम में पहले की भांति जुलूस हथियारों का प्रदर्शन वर्जित है। ताजिया सीपर अथवा अखाड़े का कोई जुलूस नहीं निकाला जाना है। शस्त्र प्रदर्शन नहीं होगा। साथ ही डीजे लाउडस्पीकर का भी उपयोग नहीं किया जाना है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नहीं रखा जाएगा, परंतु उसमें लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। इस तरह के कई निर्देश जो राज्य सरकार द्वारा जारी है, थाना प्रभारी ने सदस्यों से शेयर करते हुए इसके अनुपालन करने का अनुरोध किया। उपस्थित सदस्यों ने सरकार के निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिया। बैठक में थानाध्यक्ष नरेश कुमार, राजकिशोर सिंह, अखिलेश सिंह, अमरेश कुमार उर्फ बब्बू, मुकेश कुमार यादव, पारसमणि, पंचायत के सरपंच जावेद मंसूरी, इलियास खान, ओम प्रकाश गुप्ता, मझुआ प्रेमराज के मुखिया राजीव रंजन उर्फ पिंकू शाह, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद इकबाल, जियनगंज पंचायत के सरपंच गजेंद्र यादव, मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार शाह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। अब हम तो सब अखरिया में लेकर के सब जानकारी में सुना ना है जहाँगीर आई यहाँ का भी थोड़ा तीन चार रोज मुहर्रम के टाइम थे ना गाँव में सब अखाड़ा रहते हैं राजस्थान दौर में।